नमस्कार दोस्तों, आज हम फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे प्रिंट करेंगे उसका सेटिंग के बारे में जानेंगे। पहले हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे। अभी हमें जो फाइल को हमें प्रिंट करना है, जो फोटो का हम ओपन करेंगे, यह फोटो कोई भी साइज़ का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको क्रॉप कर दिया, ठीक है, ये आपका ये फोटो आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या करना है आपको, आपको A4 में प्रिंट करना है, तो A4 साइज़ का एक पेज लेना है आपको। न्यू, यहाँ पर इंटरनेशनल पेपर में जाएंगे, उसके बाद A4, ये आ गया आपका A4 साइज़ का फोटो। इससे ये आपका कागज़ है, तो इसे आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो प्रिंट करना है। तो उसके लिए पासपोर्ट साइज़ का जो सेटिंग है ये आपको करना है। तो आपको गूगल में जाकर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेशियो, ये देखिए आ गया आपका, आपका जैसे पासपोर्ट साइज़ का यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर होता है और हाइट आपका 4.5 सेंटीमीटर होता है, जो भी की रेशियो आप में आपको। अभी देखिए हमारा पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो का रेशियो है, विड्थ हमारा 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट हमारा 4.5 सेंटीमीटर होता है। तो हमें इसी रेशियो का एक पेज लेना है, यहाँ पर कस्टम में जाइए, उसके बाद वाइड हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट कितना 4.5 सेंटीमीटर, फिर रेजुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन समय कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके कर दीजिए। ये हमारा आ गया रेशियो आ गया। तो आपको हमें क्या करना है, ये फोटो जो है उसमें लाना है, फिर इसको फिट करना है। देखिए अब ये फिट नहीं है, हम इसे फिट करेंगे। अब ये बड़ा हो गया, अभी देखिए मैं अभी फिट करता हूँ, ये हमारा पेज फिटिंग हो गया। अभी ये हमारा जो चाहिए, हमें जो रेशियो हमें चाहिए, ये फोटो उसी रेशियो में आ गया। अभी क्या करना है, अप्लाई करना है, ये हो गया। अभी इसे खींच के इसमें लेना है, ये ऑटोमेटिकली उसी सेटिंग में आ गया। आपको जितना कॉपी चाहिए उतना कॉपी बना लीजिए।